इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। हाल ही में जारी हुए अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को दिनांक 1 जुलाई 2022 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के महत्वपूर्ण निर्देश व बिंदु देखें। एक, पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्तों का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1 मार्च 2022 बी दिनांक 3 अक्टूबर 2022 के अनुसार होगा। दो, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन शब्द से अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पे मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किंतु इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं होगा। तीन, इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 1 जुलाई 2022 से नकद किया जाएगा। चार, महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9.21 अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। पाँच, महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रूपे शून्य के पूर्णांक में किया जाए और यदि यह अंश 50 पैसे से कम है तो उसे नजरअंदाज किया जाए। छह, इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी। सात, एरियस के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाए जाएंगे जहां से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया गया हो। दो, इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। तदनुसार निर्देश दिए जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश अनुरूप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई 2022 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए उपर्युक्त कनिकाओं में बताए अनुसार किया जाए। संलग्न उपरोक्तानुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, 23 जनवरी 2023।